तो दोस्तों स्वागत है आपका इस अपकमिंग सीरीज के नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी फिलहाल जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से जो अप्रैल के मंथ में कुछ स्मार्टफोन थे, मतलब बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन थे, वो पोस्टपोन होकर मई में आ गई है। और ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन है जो अभी लॉन्च होने वाले लेकिन वेटिंग लिस्ट पे पड़े हुए, क्योंकि अभी लॉकडाउन खत्म भी हो नहीं रहा। तो देखते हैं अभी ये लॉकडाउन कितने दिनों तक चलता रहेगा और हमारे ये स्मार्टफोन कितना वेट करेंगे लॉन्च होने के लिए। तो दोस्तों मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल ऑल। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे वाले रेड बटन को आप प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि जब मैं ऐसी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज आपके लिए लेके आऊँ तब आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए चलते। तो दोस्तों ये लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन है जो अभी पोस्टपोन होकर मई के महीने में आए, और बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन है और बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनी जो स्मार्टफोन की जो अभी फिलहाल इस महीने में, मतलब मई के मंथ में आपको अपकमिंग स्मार्टफोन देखने वाले हैं, जो मैं आपको इस लिस्ट में बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन जो 10 प्लस आपको ऐसे स्मार्टफोन मिलेंगे, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है जो मई के मंथ में आने वाले। लेकिन ये लॉकडाउन है, अभी देखते हैं लॉकडाउन कितनी देर तक चलेगा, ऐसे स्मार्टफोन की आपको वेटिंग करना होगा और जब तक ये डिलीवरी चालू नहीं होती आपको इंतज़ार करना होगा स्मार्टफोन के लॉन्चिंग का। तो सबसे पहले हमारे लिस्ट में आता है जो है हॉनर की तरफ से आने वाला हॉनर 9X Pro। ये स्मार्टफोन आपको 15 से 20,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और इसमें स्पेशल बात है कि इसमें आपको 7 नैनोमीटर का किरिन 810 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ ही इसमें आपको पंच होल डिस्प्ले, और ये हॉनर 9X Pro ये बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, और किरिन का 810 का प्रोसेसर जो 7 नैनोमीटर पे, ये बहुत ही फास्ट और सुपर प्रोसेसर है। अब हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं जो है रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी X3 सीरीज। रियलमी X3 सीरीज और साथ ही जो आने वाला है वो है नार्जो सीरीज। अभी फिलहाल नार्जो सीरीज पोस्टपोन होके अभी लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, तो देखते हैं नार्जो सीरीज कब लॉन्च होते हैं रियलमी के। और साथ ही आपको रियलमी के X3 के दो वेरियंट आपको देखने को मिल जाते हैं, जो है रियलमी X3 जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 765 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, और साथ ही रियलमी X3 प्रो जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 का वो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं रियलमी के X3 सीरीज और नार्जो सीरीज किस प्राइस के साथ और किस डेट पर इंडिया में लॉन्च होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की जो है ओप्पो का आने वाला ओप्पो फाइंड X2 प्रो। इस ओप्पो फाइंड X2 प्रो में आपको स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 5G प्रोसेसर है। साथ ही इसमें स्पेशल बात करते हैं, इसमें आपको 2K रिजोल्यूशन के आपको यस एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही इसकी प्राइस आपको बहुत ही महंगी, मतलब आपको 50 से 60,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगी इसकी प्राइस। तो देखते हैं ओप्पो फाइंड X2 प्रो किस प्राइस के साथ और किस डेट पे इंडिया में लॉन्च होते हैं। लेकिन ओप्पो फाइंड X2 प्रो आपको ग्लोबल आपको टॉप 10 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन में आपको ये ओप्पो फाइंड X2 प्रो आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ये स्पेशल बात है। साथ ही हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन बात करते हैं जो है रेडमी की तरफ से आने रेडमी नोट 9 4 या रेडमी 9। इससे स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जा सकते हैं, लेकिन ये आपको 30 अप्रैल के आसपास देखने को मिल सकते हैं रेडमी की तरफ से। इसमें आपको स्पेशल बात करूँ तो इसमें वीडियो G80 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है या आपको G85 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। अभी देखते हैं ऐसे प्रोसेसर अभी तो कुछ कन्फर्म नहीं, लेकिन देखते हैं रेडमी नोट 9 और रेडमी 9 आपको किस प्राइस के साथ इंडिया में देखने को मिल जाती है। इसकी प्राइस आपको अराउंड आपको 10,000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। और साथ ही जो रेडमी का आने वाला है जो है K30 Pro या आपको K30i इस नाम से भी देखने को मिल सकता है। स्पेशल बात करते हैं कन्फर्म हो चुका है कि आप पोको के सीईओ जो है मनमोहन जी पोको F2 का रिवेंट नहीं देखने को मिल जाएगा रेडमी K30 Pro। तो देखिए रेडमी K30 Pro किस प्राइस के साथ आता है, और साथ ही जो पोको की न्यूज़ आई तो पोको के स्मार्टफोन इस लिस्ट में आता है जो है पोको का F2 और या पोको का F1, ऐसे दो स्मार्टफोन इंडिया में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये पोको अभी फिलहाल कुछ ही मालूम नहीं पोको के बारे में क्या आता है क्या नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि इसमें आपको मीडिया टेक का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। देखते हैं पोको का F2 और पोको F1 Pro एक किस प्राइस के साथ आपको इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। अब इन सारे बहुत ही अभी इन सारे बड़े बड़े कंपनी में सैमसंग कहाँ पीछे, सैमसंग का आपको A31 का स्मार्टफोन आप इस मंथ में आपको देखने को मिल सकता है। एनटेक आपको इसमें आपको यस एमोलेड की डिस्प्ले मिल जाती है, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा आपको देखने को मिल जाता है जो रियो की तरफ से, और साथ ही इसमें आपको हीलियो T65 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और स्पेशली आपको ये आपको ऑफलाइन स्टोर के लिए आया जाएगा ये सैमसंग का A30। तो देखते हैं ये सैमसंग का A30 किस प्राइस के साथ और इस लॉकडाउन में किस डेट पे आता है। इस सारे स्मार्टफोन में आपको मोटरोला का भी स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है जो है मोटरोला की A सीरीज। इस A सीरीज में आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है जो है एज और एज प्लस। ये दोनों स्मार्टफोन आपको बहुत ही प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको 65,000 के आसपास आपको प्राइस देखने को मिल जाएंगे, साथ ही इसमें आपको स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर मिल जाएगा, साथ ही 64 मेगापिक्सल का आपको कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही एज प्लस में आपको 75,000 के आसपास आपको इसकी प्राइस देखने को मिल जाएंगे,
स्नैपड्रैगन 865 का 5G प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और साथ ही स्पेशल बात करते हैं इसमें आपको 108 मतलब 108 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। इन दोनों स्मार्टफोन में आपको कर्व एजेस आपको डिस्प्ले मिल जाएंगे। तो देखते हैं ये मोटोरोला का स्मार्टफोन बहुत ही महंगे प्राइस पे आएंगे, लेकिन देखते हैं मोटोरोला क्या स्पेशल और बातें लेके आता है और क्या फीचर्स लेके आता है इस मोटोरोला के स्मार्टफोन में। साथ ही बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जो है IQ का न्यू 3 जो 5G स्मार्टफोन है, स्नैपड्रैगन 865 के प्रोसेसर के साथ आने वाला, वीवो का V90 और V94 जो भी वो अप्रैल में लॉन्च होने वाला है लेकिन पोस्टपोन होकर मई के महीने में आ चुका है, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 71 का प्रोसेसर और क्वाड कैमरा और साथ ही पंच होल ऐसा आपको कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और वन प्लस का भी स्मार्टफोन है जो है वन प्लस 8 लाइट और साथ ही वन प्लस जेड, ये दोनों स्मार्टफोन अभी वेटिंग लिस्ट पे पड़े हैं जो वन प्लस अभी इस मंथ में लॉन्च कर सकता है। और साथ ही जो गूगल का पिक्सल 4 है, इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 730 के प्रोसेसर के साथ आपको इस मंथ में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन है जो आपको इस मंथ में देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही इसमें आपको जरा हटके मतलब बहुत ही दिनों के बाद जो LG के स्मार्टफोन आपको इस मंथ में देखने को मिल सकते हैं। तो देखते ये न्यू डिज़ाइन के साथ और न्यू स्पेसिफिक के साथ आपको LG का ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे स्मार्टफोन है और ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन जैसे कि इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला है, हर की तरफ से आने वाला है, ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन है जो इस महीने में लॉन्च होने, मतलब ये लॉकडाउन की वजह से जो जितने सारे स्मार्टफोन अप्रैल में लॉन्च होने वाले थे बहुत सारे पोस्टपोन होकर मई में आ चुके। और साथ ही ये बहुत ही बारिश होने वाली है जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, तो बहुत सारे ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन यूनिट रखेंगे और बहुत सारे एक के बाद स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं। तो हम वेट करते हैं इनमें से आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना है और आपका लॉकडाउन में कैसा दिन चल रहा है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही आप इस चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से आप नीचे रेड वाले बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि जब मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ आपके लिए लेके आऊँ तब आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।